अस्सलाम वालेकुम, रफी के जायके में आप सभी को खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आम का अचार, बनाएंगे एकदम पंजाबी स्टाइल। राजापुरी आम है हमारा, तो आम को तो हम काटते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि आम हमने काट के रख लिया है। तो आम का तरीका बता देता हूँ कि जैसे आपके पास मैंगो है, कौन से भी मैंगो से आप बनाना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले तो धो लें। अगर ज्यादा कुछ ऊपर से उसकी जो एसिड टाइप का जो होता है ना, जिसे चोपी कहते हैं, तो वो अगर लगा है तो ब्रश वरस से घिस के धो ले, खूब साफ सुथरा कर ले। उसके बाद में उसको साफ कपड़े से पोंछ दें। उसके बाद में जिस तरह आपको कटिंग करना है उस तरह काट ले। तो आम को हमने काट लिया है, अब इसको धूप दिखाना है और हम रख देते हैं सूखने के लिए। अगर कड़क धूप है तो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 घंटा बहुत हो गया, वरना 5 घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं सुखाना है। तो इसको हम पहले धूप दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम धूप तो नहीं है, मैं विंडो पे खड़ा हूँ, 12 माले पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। तो इधर उधर नजारा देख सकते हैं कैसा दिखता है पूरा शहर। थोड़ा इस तरफ भी दिखा दो। तो ये रात का समय है, अभी 11 बज रहा है। इस टाइम धूप तो नहीं है, लेकिन हम कपड़ा बिछा के साफ कपड़ा और इसके ऊपर डाल देंगे तो सुबह धूप लगेगा और सूख जाएगा। तो कैरी है हमारा 1/2 किलो, ठीक है, 1/2 किलो से हम बनाएंगे और इसका मेजरमेंट भी हम आपको दिखा देंगे। इसको एक कपड़ा ऊपर से हम ढक देंगे ताकि धूल मट्टी अगर उड़े तो इसके ऊपर पड़े ना। तो अब इसे हम सवेरे तो नहीं, लेकिन इसको 3 बजे तक के हम उठाएंगे। और रात को तो हमने दिखाया ही था आपको, अब इस टाइम हम खोल के दिखा देते हैं। मस्त बढ़िया सा सूख गया है, अब इससे ज्यादा हम सुखाएंगे नहीं क्योंकि फिर वो कटाई बन जाएगा। और रात को हमने आपको दिखाया था बाहर का नजारा, पर अभी वापस हम दिखा देते हैं। दूंगा इस तरफ से, जैसे कि मैं बताया था कि मैं इस वक्त 12वें माले पे हूँ। नजारा देखो, पूरा शहर दिखता है। अभी इस तरफ बिल्कुल इस तरफ इमाम हुसैन का रब्जा है, जो सामने साइड से है, मैं बैक साइड में हूँ। तो अब चलते हैं। तो बढ़िया सा सूख गया है, अब डाल देंगे हम बॉल में, मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे सौंफ। जैसे मैंने आपको बताया कि 1/2 किलो है मैंगो हमारा, तो 3 टेबल स्पून हमने सौंफ ले लिया है। इसको थोड़ा सा ज्यादा ही हम क्रश कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने क्रश कर लिया है और ये पाउडर नहीं हुआ है, ज्यादा ज्यादा मैंने इसको 30% किया है, बाकी ऐसे ही है। तो अब हम कर लेते हैं राई को। राई हमारा 2 टेबल स्पून है, तो इसको खूब फाइन कर लेंगे। तो सरसों को हमने खूब फाइन कर लिया है एकदम। तो 2 टेबल स्पून हमने लिया है मेथी, इसको भी हम क्रश कर लेंगे, बारीक नहीं करना है। तो ये आ गया हमारा मेथी। अब इसके अंदर ही डाल देंगे हम हल्दी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च। आप ज्यादातर कोशिश करें कि काश्मीरी मिर्च डालें, मेरे पास नहीं था इस वजह से हमने देगी मिर्च डाल दिया है। काश्मीरी मिर्च से कलर बहुत बढ़िया आएगा। नमक थोड़ा ज्यादा ही रखें अचार में, 2 टेबल स्पून हमने नमक भी डाल दिया है। तो अब डाल देंगे इसके अंदर हम तेल, तेल डाल देंगे करीब करीब 100 से 150 ग्राम तक के, कोई दिक्कत नहीं है। तेल को हमने गर्म नहीं किया है, पंजाबी अचार के अंदर तेल गर्म करके बिल्कुल भी नहीं डालते हैं, कच्चा तेल ही डालते हैं। इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया रहता है, खास करके अचार के लिए। अब इसे को बढ़िया से हम मिक्स कर देंगे। तो देखो बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। तो मसाला अब इसके अंदर हम पूरा डाल देंगे। बढ़िया से मिक्स कर ले, उसके बाद में बर्नी में कांच के बोतल में जिसमें आप भर के रखना चाहते हैं रख दें। और इसको स्टार्ट करना है 3 दिन तक, तो बिल्कुल इसको खाना नहीं है, 3 दिन के बाद ही खाना है। वैसे इसको गलने के लिए 15 से 20 दिन लग जाता है। तो वैसे हमने मिक्स कर दिया है, अब थोड़ा इसके लिए
तड़के की जरूरत है तो उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो तड़के के लिए एक पैन हमने रख दिया है और एक 30 से 40 ग्राम तेल हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसको धुआं आ जाए इतनी देर हम इसको गर्म करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका धुआं निकल रहा है, तेल हमारा कम है इस वजह से शायद कम दिख रहा होगा आपको। तो अब गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद इसके अंदर हम हींग डालते हैं। तो तेल थोड़ा हमारा ठंडा हो गया है, अब हींग हम डाल देंगे एक टेबल स्पून और इसको हम डाल देंगे अचार के अंदर। तो बस इसको मिक्स कर देना है और उसके बाद में बर्नी के अंदर भर देते हैं। तो गाइस अब थोड़ा सा वही कच्चा तेल हम सरसों का डाल देंगे ऊपर से, एक 50 ग्राम जितना। अगर इसके अंदर तेल ज्यादा होता है तो एक फायदा रहता है कि खराब नहीं होता है अचार। उसके बाद इसको बंद कर दें और जब भी आपका अचार एक बार पैक कर देने के बाद क्या करें, 3 दिन तक तो इसको आपको धूप में रखना है। आप अपने छत पे टेरेस पे कहीं भी रखो और शाम को उठा के लाके रख दो। फिर वो 3 दिन के बीच में क्या करना है आपको, थोड़ा सा हिला दिया करना है क्योंकि सॉल्ट अक्सर नीचे चला जाता है, तो सभी जगह जब वो लगते रहेगा तो फटाफट गल जाएगा। तो यानी कम से कम 3 दिन तो रखना है, उसके बाद में आपको खाना है। वैसे सही मायने में 15 से 20 दिन लगता है अच्छी तरह से अचार गल जाने के लिए। तो ठीक है, तो इस तरह आपको, और इसका मसाला अगर बच गया जैसे कि आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाया है और आम आपने निकाल के खा लिया, अब बचा उसके अंदर खाली मसाला और तेल, तो आप हरी मिर्ची को धो के डंठल तोड़ के उसके बाद में उसको कपड़े से साफ कर ले और थोड़ा सा चीरा मार के उसको इसके अंदर डाल दे, ये भी आपको अचार का टेस्ट देगा मिर्ची। ठीक है, तो आप इस तरह खा सकते हैं और इसको आप बना के रख दोगे। तेल अगर आपका ऊपर तक है तो सालों साल तक आप अचार रख सकते हो, खराब नहीं होगा। तो आपको इसी तरह हमेशा आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।